बहुत अच्छा हुआ मिसेस शर्मा इतना बिजी रहने के बावजूद आप आई। सुना है रक्षित की शादी हो रही थी और एन मौके पे शिखर ने आकर के बिग वाला सरप्राइज दे दिया, यानी खुद की बैंड बजा ली। अरे वो क्या है ना आंटी जी, शिखर भैया को ना फोमो हो गया था। उन्हें लगा कि रक्षित भैया की शादी के बाद वो अकेले पर जाएंगे। दो अकेले शादी कर ली उन्होंने। राशि देवदास वाला दिया चल जलाते हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे घर की परंपरा है कि ये दिया स्पेशली घर की बड़ी बहू के लिए। वो देखो भैया भाभी आ गए। हाँ दोनों बेटे दोनों बहुएं दोनों ही आ रही हैं। इस घूंघट के अंदर कोई दूसरी वाली कोई नकली वाली तो नहीं? नहीं असली है, जिंदा है, सही सलामत है। तो इसका मतलब शिखर ने, मैंने तो पहले ही कहा था ये शिखर हाँ सिर्फ दिखने में ही तगड़ा है, उसे तगड़ा काम नहीं हो पाएगा। मुझे पता था उससे ये खून नहीं हो पाएगा, खूनी तो नहीं है। मैं तो बस देखना चाहती थी कि मैं उसे किस हद तक ले जा सकती हूँ। कोई नहीं, जब टाइम आएगा तब उसकी हर हद तोड़ दूंगी मैं। जो कहती हूँ वो करवाती हूँ। काम करवाना आता है मुझे, बिजलियाँ गिरानी आती है मुझे। हाँ देखा मैंने, पर अब क्या करोगी? बिजली गिराऊंगी। बेटन का बिच्छू, ये तो छुटर पुटर है, अभी बड़ी वाली बिजली तो मैंने गिराई नहीं है। साचने प्लीज मुझ पर इतना टॉर्चर मत करो ना। हाँ तू मेरे अकेले से इतना टॉर्चर हो गया। अरे सोच क्या होगा जब मेरी वो बड़ी वाली बिजली मेरी दोस्त आएगी। हैं? तुम्हारे तो सारे दुश्मन है, पर ये दोस्त कहाँ से आ गई? पर्दे में रहने दे, राज है। जब इस राज से पर्दा उठेगा वो आएगी। अरे तब सोच हम दोनों मिलकर कितनी बिजलियां गिराएंगे, कितनी तबाही मचाएंगे। चल चल अब मैं चली। छवा चली गई पीछे छूटा, जान बची। क्या महिमा मैम को पता है कि मैं वो नहीं हूँ, आई मीन डी नहीं हूँ? आपको रक्षित ये मुंह दिखाई तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ पे आई लेडीज गैंग के लिए है, इसलिए जल्दी आओ, आज होली भी है। इस मुंह दिखाई रस्म के बाद हम सब होली खेलेंगे, चलो आओ। ये जानती हैं तो महिमा मैम भी जानती हैं क्या? उनका छोड़ो अपना सोचो, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। भैया जल्दी करो ना। हाँ भाभी आ गई मेरी टाउन मार्केट बहू। लेकिन पिसाच ने जिसका पीस साइलेंट है वो आजकल नजर क्यों नहीं आ रही है? यू नो शादी में भी नहीं थी। अरे ये जो रक्षित लावण्या की एंगेजमेंट के भूकंप के बाद तो वो जैसे गायब सी हो गई है। बट इट्स ओके, छोड़ो ना, हमारी लाइफ में शांति है, हम उसी में खुश रहते हैं, राइट? सही है। अरे वाह बहू रानी आ गई, पहला मुंह दिखाई का रस्म तो भाई मैं करूंगी। नहीं नहीं मेरे बहू की मुंह दिखाई मैं करूंगी। भाई तू कर दे अपनी बीवी की, जैसे ही डी मरेगी ना उसकी वो जुड़वा बहन जहां भी होगी खींची चली आएगी। उस मुर्दा डी की शक्ति उसकी बहन में चली जाएगी, दोनों आधी आधी शक्ति एक में आ जाएंगी, एक हो जाएंगी और फिर हम उससे वो एक शक्ति ले लेंगे। जीती रहो मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए। महिमा मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अपनी बहन दिव्या की जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अपने दोनों हाथ आगे करो। इस दिए को मुंह दिखाए के बाद तुम्हें रक्षित के साथ मंदिर में ले जाकर पूजा करनी है। हमारे घर की परंपरा है कि मुंह दिखाए के बाद सुहागन अपने पति के साथ मंदिर में जाकर पूजा करती है। तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो ये पूजा तुम्हें ही करनी है, लेकिन ध्यान रखना पूजा खत्म होने तक ना इस दिए को नीचे रखना और ना इसे बुझने देना। ओएमजी ये तो देवदास वाला सीन हो गया, हैशटैग दिया के साथ नहारो फिर पारो। सदा सुहागन रहो।
गठ है उठने वाला, पीए का है बजने वाला। बैंड बाजा बारात। मिसेस पीए, मेरा मतलब है छोटे बाबू। कोई नहीं, शायद तुम गलत जगह पर बैठ गई हो। हैं, चलो दूल्हा मतलब अपने दूल्हे के पास जाकर बैठेंगे। हाँ, आओ। नहीं नहीं चाची, एक्चुअली वो मतलब यही मेरी पत्नी है। क्या? वाह, क्या 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 बोल रहे हो? इसका मतलब मेरे शिखर ने डी से शादी कर ली? रक्षित, ये सब क्या है रक्षित? ये कैसे है रक्षित? ये सब कैसे है? इस बात का जवाब आपको शिखर ही देगा। बेटा हम आए। वो जस्विनी, अशिलेशा, बैरी, शिखर मेरे साथ आओ। सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कितने किस्मत वाले हैं ना हम, एक पल में कहाँ से कहाँ उड़ सकते हैं। और पर फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोगों को सिर्फ उड़ना आता है और मुझे उड़ाना भी आता है। तुम सारे परिंदों की परी हूँ मैं, इसलिए मेरे सामने पर्वत फैलाना, समझ गए? ये सब क्या हो रहा है बताओ। महिमा भाभी कुछ पूछ रही है, से समथिंग बोलो। बता तो सही, ये सब कैसे हो गया? मतलब म्यूजिकल चेस खेलते खेलते शादी कर ली क्या? और ये दुल्हन की अदला बदली कैसे हो गई और क्यों हो गई? ओजस्विनी, मैं पूछ रही हूँ ना, तुम चुप रहो, तुम सब जवाब दो। मैम एक्चुअली वो मैंने किया है। मेरा आइडिया था बड़ी माँ। तेरा आइडिया था, तूने किया ये सब? हाँ बड़ी माँ, दुल्हन की अदला बदली मैंने की थी। क्यों शिखर, क्यों बदली तूने लड़की? क्यों किया तूने ये सब? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे, क्यों किया तूने ये सब? क्योंकि बड़ी माँ मुझे ये सही लगा। सही? तुझे ये सब कुछ सही लगा? क्या सही है इसमें शिखर? इसमें कुछ भी सही नहीं है, कुछ सही नहीं किया तूने। तू सब जानता था ना पंडित जी ने क्या कहा था? अगर मीन राशि की लड़की से शादी नहीं हुई तो इसकी जान को खतरा है। ये सब कुछ जानते हुए भी तूने शादी को इतना बड़ा मजाक बना दिया। ये गलत शादी की, गलत लड़की से शादी की। नहीं, नहीं मानती मैं ये शादी। बड़ी मामा, ऐसे कैसे? शादी हो गई, सात फेरे हो गए, सारी रस्में होंगी, वो भी सबके सामने। और लेकिन ये शादी, ये वो लड़की नहीं है जो मैंने अपने बेटे के लिए चुनी थी। नहीं मानती मैं इसे अपनी बहू, नहीं मानती इस शादी को। शिखर, तूने अकेले ने फैसला कैसे ले लिया कि यही सही है? शादी तो दो लोगों के बीच होती है ना, और तूने ये सब करने से पहले लड़कियों से पूछा था? और डीप, तू ये शादी, ये लड़कियों की अदला बदली, तुम क्या कहती हो उसके बारे में? तुम खुश हो इस शादी से? ओह माय गॉड, आज मेरी शादी हुई है प्रिंस चार्मिंग के साथ। दी, अगर कहूंगी नहीं तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे इसी घर में रहना है। इसी घर में रहूंगी तो मेरे मम्मा के उस कार्य को ढूंढ सकूंगी। टी, से समथिंग, कुछ बोलो। क्या जवाब दूं, क्या बोलूं मैं? शादी तो हो चुकी है और मैं जिस खानदान से आई हूँ, मेरी मम्मी ने जो संस्कार दिए हैं, शादी जन्मों का रिश्ता है। एक बार ही बंधन जुड़ गया, टूट नहीं सकता। शिखर, तू मुझे सच सच बता, बात कुछ और है। क्यों किया तूने ये सब, बता मुझे सच। क्योंकि बड़ी माँ, मुझे लगा कि मैं ही बनाऊं डी के लिए। यही सही लड़की है मेरे लिए और रक्षित भाई के लिए। ये
मिसेस शेरगिल। नहीं नहीं मानती इसे मैं अपनी बहू, मैं इसे अपनी बहू रक्षित की पत्नी ही मिसेस शेरगिल नहीं मानती, नहीं मानती मैं इस शादी को, मैं अभी इसी वक्त इस रिश्ते को, इस शादी को तोड़ती हूँ। बड़ी माँ ऐसे कैसे तोड़ सकते हो, लोग क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि शादी जन्मों जन्मों का बंधन है, अटूट रिश्ता, सिंदूर, मंगलसूत्र, अग्नि, साक्षी, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है और एक बार शादी हो गई तो बस हो गई और रक्षित भाई की हो चुकी जो कि दोबारा नहीं हो सकती। पंडित जी ने बताया था सही मुहूर्त। शट अप, तू मुझे मत सिखा कि पंडित जी ने क्या कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है दोनों पंडित ने एक ही बात कही थी कि शादी सही मुहूर्त में, सही लड़की के साथ सही मुहूर्त पे अगर शादी नहीं हुई तो मेरे बेटे की जान को खतरा है, काल आ सकता है, मौत आ सकती है, सही लड़की से शादी सही मुहूर्त पे, और ये लड़की सही नहीं है मेरे बेटे के लिए, अब मेरे बेटे की जान खतरे में, तू बता मैं क्या करूं शिखर, क्या करूं मैं? और रक्षित वो तो चला गया। तू मेरी दोस्त कहाँ है? आ रही है वो। अब क्या चाहती हो? वो आपकी मॉम ने कहा था मंदिर में ये दिया रख, पूजा के लिए लेट हो रहा है, पूजा पूरी करनी है और पंडित जी भी इंतजार कर रहे हैं। रक्षित सर, मैं ये दिया तब तक नीचे नहीं रख सकती जब तक पूजा पूरी नहीं होती, तो मंदिर मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो मिसेस शेरगिल, मैं दिखावे की रस्मों कस्मों को नहीं मानता, मेरे लिए ये सब फेक है। ये दिखावे के लिए नहीं कर रहे। तो फिर किसके लिए कर रही हो? कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए करना पड़ता है। किसकी खुशी के लिए? मैं तुम्हें खुश लग रहा हूं या मेरी मॉम तुम्हें खुश लग रही है, जिन्होंने हर लफ्ज हर तरीके में तुम्हें बता दिया है कि वो इस शादी को नहीं मानती, तो फिर किसकी खुशी के लिए? तुम्हारी खुद की खुशी? नहीं। तो फिर किसके लिए? किन रस्मों कस्मों के लिए? किसके ख्याल, किसकी फिक्र के लिए? तुम आई क्यों हो इस घर में? मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम जानती हो कि मेरी मॉम भी ऑफिशियली इस शादी को नहीं मानती है, तो फिर तुम रुकी क्यों हो इस घर में? चली क्यों नहीं जाती? किसके लिए? इस शादी के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये शादी कैसे हुई, क्यों हुई, कौन इस शादी से खुश है, कौन इस शादी से खुश नहीं है, किसे फर्क पड़ता है, किसे फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो वो एक ही बात से पड़ता है, वो ये है कि ये शादी हुई है, मेरी शादी आपसे हुई है, तो आपके लिए हो ना हो मेरे लिए शादी मायने रखती है। सो ऑल रबिश, मैं नहीं मानता ना इस शादी को, ना तुम्हें, ना तुम्हारी बातों को। इनफैक्ट मुझे तुम पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। तो फिर क्यों भरा आपने सिंदूर मेरी मांग में? ऐसे मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा रक्षित सर, जवाब दीजिए। क्यों डाला मेरे गले में मंगलसूत्र? मैंने आपसे कहा था ना कि आप चाहे तो मंडप से उठ सकते, क्यों नहीं उठे आप, और क्यों की आपने ये शादी? बात बदलने की कोशिश मत करो। बात घूम फिर कर वही है सर, आपके और मेरे सवाल एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप सवाल करें तो सही और मैंने सवाल कर लिया तो आपको इतना बुरा लग गया। मेरे बोलने के बावजूद आप उस मंडप से नहीं उठे और आपने शादी कर ली, क्यों की शादी बताइए, क्या इरादा था आपका? अपनी गलती मेरे सर पर डालने की कोशिश भी मत करना। क्या
दिया बुझाना आसान है सर, मगर इसकी रोशनी को रोशन रखना हर कोई नहीं कर सकता। आप नहीं आना चाहते मंदिर तो मत आइए, मैं अकेली जाके ये सारी रस्म निभाऊंगी। मैं जा रही हूं मंदिर। जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू। मैं ये शादी निभाऊंगी, निभानी पड़ेगी, तब तक जब तक मैं अपनी दिव्या को हमारी मम्मा के कातिल से सेफ रखने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेती, तब तक जब तक मैं उसे सच नहीं बता देती कि मैं ही उसकी दृष्टि थी, तब तक मुझे शादी में रहने का दिखावा करना पड़ेगा। मैं करूंगी। सॉरी महिमा मैम, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरी किस्मत थी, पता नहीं था मेरी मम्मा की कातिल ऐसे सामने आ जाएगी। तू कैसी है मिस साइलेंट पी? पी साइलेंट, बाकी सब वायलेंट। मतलब दुश्मनों के उल्टी गिनती शुरू। आज कहर का दिन है, आज डायन की नजर है, आज तो कयामत का मिलन है। हे शैतान, तेरी चोटी तो दिन पे दिन और मोटी और लंबी, काल से भी ज्यादा काली होती जा रही है। और तेरी आंख में वो लाल वाली लाली भी नहीं। दोनों आंखें सही सलामत। तो बता कैसे याद किया मुझे? एक काम करना है, बहुत बड़ा काम। आदमी है या औरत? औरत नहीं, लड़की है, जवान है, सुंदर है, यंग प्रिटी प्रिटी हॉटी हॉटी तड़के वाली लड़की है। ओहो, तेरी तरह हॉट शॉट नहीं है, चल दिखाती हूँ। बस ये इतनी सी, इसे तो मैं अपने एक हाथ से ही लपेट लूंगी और फिर इसे खा जाना, इसकी उम्र को भी खा जाना। मैंने इसकी जो मौत दिखाई पसंद आई। जवान खून, जवान हार मांस, बहुत मजा आएगा। मुझे पता था मोहना, ये काम सिर्फ तू ही कर सकती है। कर कर कर, मार दे उसे, उसकी उम्र खा जा और जवान हो जा। और फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस, शेर गिल खानदान की नई नवेली बहू की जिंदगी, एक खतरू सदा बाहर सदा जवान डायन ने निगल ली। चल मोहना, चल के बिजली गिराते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।